रितुवल इंटरनेशनल स्कूल भावगढ़ में आवश्यकता है अनुभवी शिक्षिकाओं की। कक्षा पीजी से पांचवी तक। स्थान बाईपास चौराहा भावगढ़। योग्यता एजुकेशन किसी भी विषय में। शिक्षण अनुभव कम से कम एक वर्ष का होना जरूरी। वेतन योग्यता अनुसार। आना जाना विद्यालय के स्वयं के वाहन से होगा। संपर्क सूत्र 9007795891311052। मेवाड़ा गायरी समाज मंदसौर द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भगवान संत श्री अमरा भगत जी के जन्मोत्सव पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें गायरी समाज युवा जिलाध्यक्ष अनिल गायरी ने बताया कि इस अवसर पर भी संत श्री अमरा भगत जी की जयंती के उपलक्ष्य में मंदसौर जिले में गायरी समाज द्वारा अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी दलोदा मल्हारगढ़ सीतामऊ सुवासरा शोंगढ़ गरोट भानपुरा मंदसौर जिले के सभी समाज जनों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने हिसाब से अपने गांव में वहां पर नजदीक कार्यक्रम रखा गया वह अवश्य पधारी एक नीम का पेड़ लगाकर भगवान संत श्री अमरा भगत का जन्म उत्सव मनाए। श्री अमरा भगत के जन्म उत्सव को लेकर क्या तैयारी है धनगढ़ गायरी समाज की? संत श्री अमरा भगत के 179वें जन्मदिन के अवसर पर धनगढ़ गायरी समाज की ओर से पूरे जिले में पौधा रोपण का कार्य करेंगे। लगभग इसमें 20 से 25 हजार पौधे पूरे जिले में लगाएंगे। संत श्री अमरा भगत धनगढ़ गायरी समाज के एक ऐसे देव थे कि जिन्हें भगवान के आस्था के रूप में इनको पूजा जाता था। लगातार हर साल हम संत श्री अमरा भगत के जन्म उत्सव को लेकर एक महान रैली लेके जाते थे तमाम जिलों से, मगर अब की बार इस बार कोरोना काल को देखते हुए रैली नहीं होगी। इस कारण हमने संत श्री अमरा भगत के जन्म उत्सव पर पौधारोपण का कार्य करा है। यह कार्यक्रम रखा गया और किन किन स्थानों पर रखा गया है? 30 तारीख को यह प्रोग्राम रखा गया है, जो मतलब पूरे मंदसौर जिले के 8 तहसीली स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी तहसील स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है एवं 365 गांव में धनगढ़ समाज निवास करती है। 365 ही गांव में इस कार्यक्रम में युवा और वरिष्ठ बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।